हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम किसी भी लैपटॉप की अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, किसी भी लैपटॉप का रिव्यू नहीं करेंगे। हमारे व्यूअर्स की काफी क्वेरीज आती है, मार्केट में भी काफी क्वेरीज होती है, मेरे फ्रेंड्स से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लैपटॉप को परचेज कैसे करें। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लैपटॉप हमें कहां से परचेज करना चाहिए। आज की डेट में देखिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूंगा तो सबसे पहले तो हमारे पास दो मार्केट आती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में भी हमारे पास दो पोर्टफोलियो है कि हम कहां से लैपटॉप को परचेज करें। ऑनलाइन में जैसे हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक होते हैं ऑफिशियल स्टोर्स। अगर हम एचपी की बात करेंगे तो एचपी का अपना वेबसाइट है, डेल की, लिनोवो की, इन सब की अपनी वेबसाइट है, हम वहां से परचेज करें। या जो ई कॉमर्स वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, या थर्ड पार्टी जो आपकी रिलायंस डिजिटल है, हम कहां से परचेज करें लैपटॉप। या हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन आती है ऑफलाइन की, ऑफलाइन में भी हमारे पास दो है। आज की डेट में मैंने देखा है मोस्टली जितने भी OEMs है, जितने भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स है, सबके अपने ऑफिशियल स्टोर्स हैं, हर एरिया में ऑफिशियल स्टोर है। तो हम वहां से परचेज करें या फिर हमारे पास जो लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स होते हैं जैसे क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गए, हर स्टेट के अंदर अलग अलग लार्ज फॉर्मेट रिटेलर्स आपको मिल जाएंगे, या हम वहां से परचेज करें। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें लैपटॉप परचेज कहां से करना चाहिए और कहां पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कहां क्या ड्रॉबैक्स हैं, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको जरूर मैं ये कहूंगा सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि हम लैपटॉप कहां से परचेज करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा लैपटॉप मास्टर हमारा जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम नए नए लैपटॉप्स, अभी एचपी ने नए लैपटॉप्स और डेल ने भी काफी लैपटॉप्स को लॉन्च किया, सबकी आपके लिए अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यूज करेंगे, सबके बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, चलते हैं और देखते हैं हमें लैपटॉप के परचेजिंग कहां कहां से हम कर सकते हैं। देखते हैं लैपटॉप कहां से लेना सही रहेगा। मेरे पास भी इस लाइन का 20 साल का एक्सपीरियंस है, आज 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं ऑनलाइन की। देखिए ऑनलाइन में हमारे पास जो दो ऑप्शन है, एक ऑफिशियल वेबसाइट और एक हमारे पास होती है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो हमेशा उस पर डिस्क्रिप्शन होती है वो बिल्कुल सही होती है। जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है मैंने बहुत बार देखा है उसमें छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, अगर मैं ये कहूं फिंगरप्रिंट रीडर की, sRGB की, निट्स की, ये चीजें कई बार मैंने नोट किया है कि कई बार गलत होती हैं, तो आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो इन दो में बड़ा फर्क आता है कि ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन में ऑफिशियल वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट के प्राइसेस बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट की प्राइसेस से थोड़े उनमें ज्यादा मिलेंगे आपको। तो अगर आपने ये देखना है कि मेरे को कोई भी परेशानी ना हो, कोई आपको ये टेंशन ना हो कि मेरे पास प्रोडक्ट कैसा आएगा, डैमेज आएगा या नहीं आएगा, खराब आएगा या नहीं आएगा, अगर आप ये परेशानी नहीं लेना चाहते, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिएगा। सभी कंपनीज की अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। अच्छा, ई कॉमर्स वेबसाइट में हम क्या देखते हैं, हमें जब सबसे जो ज्यादा बेनिफिट होता है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो आपका डिलीवरी का है। मैं प्राइस नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने बहुत मार्केट में चेक किया है, आज की डेट में मार्केट में भी प्राइस वो आपको मिल जाता है जो ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपको मिलता है। हाँ, उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहीं पे बैठे बैठाए आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ई कॉमर्स वेबसाइट का। प्राइस भी आपको बेटर मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट से और डिलीवरी भी मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डिलीवरी मिलेगी लेकिन वहां प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें तो यहां पे हमने ऑनलाइन ले लिया, अभी हम पहले ऑफलाइन को लेते हैं। देखिए ऑफलाइन में भी हमारे पास दो मार्केट है, एक लार्ज फॉर्मेट जैसे हम कहते हैं क्रोमा, विजय सेल्स या रिलायंस डिजिटल आपको मार्केट में मिल जाएंगे काफी, या दूसरा हम ऑफिशियल अपने स्टोर देखते हैं जो एचपी वर्ल्ड है, डेल एक्सक्लूसिव स्टोर, आसूस के स्टोर आपको मिल जाएंगे, लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर। मोस्टली सभी कंपनीज ने पूरे इंडिया के अंदर हर जगह अपने स्टोर खोल रखे हैं। अब हम इन दोनों में देखते हैं इन दोनों में कौन सा बेटर आपको मिलता है।
देखिए यहाँ पे दोनों ही जगह अगर आप जाएंगे तो दोनों जगह आपको वैरायटीज मिलेगी, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली एक स्टोर पे जाते हैं, जैसे आप अगर मैं एग्जांपल देता हूँ एचपी वर्ल्ड पे अगर आप जाते हैं तो वहां पे एचपी की आपको पूरी रेंज देखने को मिलेगी। वहां पे हमेशा 15-20 डेमो भी मिलेंगे आपको। आपको ये नहीं होगा, अगर आपने जो भी चीज चाहिए, आपकी स्पेसिफिकेशन, आपको चाहिए sRGB चाहिए, आपको फिंगरप्रिंट चाहिए, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मेरे को ये वाला मॉडल की स्पेसिफिकेशन चाहिए, वो नहीं मिली एचपी के अंदर। अच्छा, लार्ज फॉर्मेट में आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको 20-25-30 लैपटॉप डेमो पे दिखाई देंगे, लेकिन वो सारे के सारे करीब 5-6 कंपनीज के होते हैं। अगर हम एक जैसे हम अभी एचपी की बात करी तो वहां पे एचपी के आपको 6-7 मॉडल आपको देखने को जरूर मिलेंगे उनके पास, लेकिन पूरी रेंज आपको नहीं मिलेगी जो ऑफिशियल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा भी जो दोनों की वारंटी का होता है, वारंटी अगर एक्सटेंशन की जो बात आती है वो आपको मोस्टली ऑफिशियल स्टोर्स पे मिलती है, जो LFRs में नहीं मिलती, जो लार्ज फॉर्मेट पे होती है। हाँ, वो थर्ड पार्टी वारंटीज आपको जरूर ऑफर करेंगे, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो थर्ड पार्टी वारंटीज होती है वो आपको बहुत मुश्किल होती है लेने में। वो आज आपका लैपटॉप सपोज खराब हुआ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने AC परचेज किया था, मैंने थर्ड पार्टी वारंटी भी एक्सटेंड कराई, लेकिन हुआ क्या, आज गर्मी के अंदर अगर मेरा AC में कूलिंग नहीं आई, उन्होंने मेरे को 10 दिन का टाइम दिया, 10 दिन मैं 10 दिन तक तो कोई भी नहीं रह सकता इतनी दिल्ली के अंदर, मई जून के महीने के अंदर अगर 10 दिन AC बंद रहेगा। ऐसा ही लैपटॉप के अंदर है, अगर आपका लैपटॉप खराब हुआ और थर्ड पार्टी आपको ये कहते हैं कि हम 10 से 15 दिन 20 दिन लेंगे उसको रिपेयर करने में, तो आपके लिए वो बेकार है, उससे ज्यादा तो आपका काम का लॉस हो जाएगा, या आप स्टूडेंट है तो आपकी होमवर्क का लॉस होगा। तो इसलिए वो थर्ड पार्टी वारंटी आपको वहां पे मिलती है, और ऑफिशियल स्टोर्स में जो कंपनी की वारंटी होती है, और कंपनी की वारंटी हमेशा आपको 24 से 48 आवर्स के अंदर मिल जाती है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि अगर कोई पार्ट्स खराब हुआ है तो वो पार्ट्स अरेंज होने में 2 से 3 दिन लग जाए, नहीं तो जो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस में आपको वारंटी इजीली मिल जाती है। अगर हम LFR में लार्ज फॉर्मेट डिटेल्स में देखें और ऑफिशियल स्टोर्स होते हैं उनमें डिफरेंस भी देखें, अगर मैं डेल का ही लूंगा तो डेल के स्टोर्स पे आपको जो उसके प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, XPS होते हैं, Alienware, वो आपको डेमो में भी मिल सकते हैं, वो अवेलेबल भी होते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज LFR में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। वहां पे जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोशिश, वहां के सेल्स पर्सन आपको वही लैपटॉप पिच करने की कोशिश करेंगे आप वो जो उनके पास लैपटॉप अवेलेबल है वही आप ले, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं अगर इन दोनों फॉर्मेट की बात करेंगे तो मैं हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही लेना पसंद करता हूं, और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफिशियल स्टोर जरूर विजिट करें। देखिए प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, जबकि ऑफिशियल स्टोर पे आज की डेट में आपको जो LFRs होते हैं उनसे ज्यादा अच्छे प्राइसेस पे आपको ऑफिशियल स्टोर पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अगर हमने ऑनलाइन में एक ई कॉमर्स चूज कर लेते हैं और ऑफलाइन के अंदर हम चूज करते हैं ऑफिशियल स्टोर्स, तो इनमें से कौन सा बेटर रहता है? देखिए ऑनलाइन में आपको डिलीवरी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ऑनलाइन का, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपका लैपटॉप घर पे डिलीवर होता है और लैपटॉप आपका बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसका कोई पार्ट खराब है, ना वो कोई डैमेज है, तब तो ये सारी प्रॉब्लम्स, तब तो वो बेटर है। अदरवाइज मैंने कई बार देखा है, कभी लैपटॉप डिलीवर होता है, कभी डैमेज निकलता है, कोई पार्ट्स खराब होता है, डैमेज निकलेगा, फिर आपको उसका प्रूफ देना होता है उन्हें रिटर्न करने के लिए, आप रिटर्न करने के लिए प्रूफ देंगे, फिर कूरियर बॉय आएगा। आपको सपोज करो 4 दिन बाद काम है और आप इसी प्रोसेस में टाइम निकाल देते हैं तो वहां टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, राइट? उसके बाद सपोज करिए कोई पार्ट खराब होता है तो उसके लिए भी आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है, कंपनी हमेशा आपको पार्ट्स ही रिप्लेस करके देगी, क्योंकि एक कंपनी, हर कंपनी के पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आपका प्रोडक्ट अराइवल पे डेड है, जिसको हम DOA कहते हैं, तो कंपनी उस लैपटॉप को रिप्लेस करती है। ये वाला बेनिफिट अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट से लेते हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। सपोज करो आपका लैपटॉप आने के 10 दिन बाद ही खराब हो गया, कोई उसमें पार्ट्स खराब हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गया, अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट से लैपटॉप को खरीदा है तो आपको उसका मदरबोर्ड चेंज ही कराना पड़ेगा। ऑफिशियल स्टोर से अगर आपने लिया है तो आपका पूरा लैपटॉप चेंज हो जाता है, तो यहां पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है।
प्राइस की अगर हम बात करेंगे, प्राइसेस देखिए वहां पे मिलता रहता है, उसमें मैं आपको एक और बता दूं, उसमें प्रॉब्लम्स कई बार रहती है प्राइस की, क्योंकि लोग अधिकतर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। जब आप स्टोर पे, एक ऑफिशियल स्टोर पे लैपटॉप लेने जाते हैं, वहां पे आपको साथ में एसेसरीज मिलती हैं, आपको कैरी बैग मिलता है, आपको काफी चीजें साथ में मिल जाती हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की प्राइसिंग लिखी हुई होती है। बहुत लोगों को बाद में पता चलता है कि लैपटॉप के साथ बैग तो आया ही नहीं। हमने 1000 रुपए, सपोज करिए ऑफिशियल बैग, ऑफिशियल स्टोर के ऊपर अगर लैपटॉप की प्राइसिंग 40,000 रुपए थी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे आपको वही 39,000 का मिल गया, तो आप प्रॉफिट में नहीं है, आप लॉस में है। क्योंकि ऑफिशियल स्टोर पे आपको उसके साथ एक बैग भी मिल रहा है जिसकी कॉस्टिंग 1000 से 2000 के अप्रॉक्स होती है, आपको वो ऑनलाइन पे नहीं मिला। उसके साथ और भी एक्सेसरीज होती है, जैसे हेडफोन हो गए, माउस हो गए, आप ऑफिशियल स्टोर पे जाएंगे, वो टाइम टू टाइम आपको ऑफर्स मिलती रहती है। आज की डेट में जितनी भी कंपनीज है वो पूरे साल ऑफर्स को रखती है, कभी बैक टू स्कूल के नाम से, कभी बैक टू कॉलेज के नाम से, दिवाली आएगी, दिवाली की, क्रिसमस की, हमेशा आपको ऑफर्स वहां पे मिलती ही रहेगी, जो ई कॉमर्स पे आपके अवेलेबल नहीं होती। ई कॉमर्स पे सिर्फ और सिर्फ जब भी आपके जैसे बिग मिलियन डेज आते हैं, ये सेल्स आती है, वो सिर्फ प्राइस कम करते हैं। और मैं पीछे 2 साल से ये भी नोटिस कर रहा हूं, जब भी बिग मिलियन सेल्स वगैरह आती है तो आप ऑफिशियल स्टोर्स पे भी जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि उस समय ऑफिशियल स्टोर्स पे भी सेल चल रही होती है, वहां भी प्राइस ड्रॉप हो जाता है। तो मैंने नहीं देखा कि बहुत ज्यादा प्राइस का इफेक्ट आता है, लेकिन मैंने ड्रॉबैक्स बहुत देखे हैं। देखिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट, कंपनी सॉफ्टवेयर सपोर्ट 3 महीने का देती है, सारी कंपनी 3 महीने का सॉफ्टवेयर सपोर्ट देती है। जो आपको ऑफिशियल स्टोर पे आप जाएंगे तो वो आपको 1 साल का मिल जाता है, उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अधिकतर ऑफिशियल स्टोर्स मैंने नोट किए हैं, सभी सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको देते हैं। आजकल विंडोज पे लोडेड आती है, वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर 90% लोग आज की डेट में भी अगर कोई विंडोज की प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुद उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ 10% लोग हैं जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट से लिया है तो आपको उसकी प्रॉब्लम के लिए किसी ना किसी 3 महीने बाद कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, किसी लैपटॉप रिपेयर करने के बाद वो आपसे 1500 चार्ज करेगा, वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम होगी। जो आपने कन्वीनियंस लिया था कि मेरे को होम डिलीवरी मिल जाएगी, वही आपको वो नुकसान हो जाता है कि आपको बाद में सपोर्ट के लिए घूमना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे डिलीवरी डैमेज की, देखिए वहां पे डैमेज में उसमें लिखा होता है 7 डेज रिप्लेसमेंट, ई कॉमर्स में लिखा होता है, लेकिन अगर वो डैमेज होता है तभी, और ये वाली फैसिलिटी तो आपको ऑफिशियल स्टोर पे भी मिलती है। जब आप ऑफिशियल स्टोर पे जाएंगे, हर ऑफिशियल स्टोर आपको लैपटॉप को एक्टिवेट करके, जो उसकी फर्स्ट टाइम विंडो 10 मिनट लगते हैं बूट अप होने में, वो करके देगा आपका। अगर ओरिजिनल ऑफिस उसमें आ रहा है तो ऑफिस को एक्टिवेट करके देगा, ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। मैंने ये भी नोट किया, टाइम टू टाइम ई कॉमर्स उसपे 750 के चार्जेस आपसे एक्स्ट्रा लेती है अगर वो सेटअप करना है तो, और वही चार्जेस आपको वहां पे नहीं देने पड़ते ऑफिशियल स्टोर पे, वो आपको सब कुछ एक्टिवेट करके देते हैं। और लैपटॉप के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोज करो वो लैपटॉप आपका अगर सेटअप कर रहा है तो वो डैमेज निकला, या उसका कोई जब एक्टिवेट करते हुए प्रॉब्लम निकली, तो वो आपको लैपटॉप जड़ी हाथ के हाथ रिप्लेस करके देगा, जो फैसिलिटी आपको ई कॉमर्स पे नहीं मिलेगी। वहां से लैपटॉप आएगा, प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, आपको अगर 2 या 3 दिन में काम है, इमरजेंसी है, तो लैपटॉप सपोज करो आप प्राइम डिलीवरी तो ले लेते हो, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम निकल गई तो आप क्या करेंगे? फिर उसको जाएगा 2-3 दिन में वापिस जाएगा, फिर 2-3 दिन बाद वापिस आएगा, तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा। जो आपका प्रॉफिट होना था, जो आपने 1000 रुपए कम लिया था, वहां तो वो लॉस हो गया। सेकेंडली, मैंने ये भी मार्केट बहुत देखा है, ऑनलाइन पे हमेशा लगा रहता है 10% सेल, इस कार्ड पे 5% सेल, इस कार्ड पे 20% सेल। देखिए हमेशा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा। मैं हमेशा देखता हूं कि उस पे लिखा तो है 10% सेल लिखा हुआ होता है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 1500, 50,000 का लैपटॉप है, अगर मैं 5% भी कह रहा हूं तो 5% उसके उसपे 2500 रुपीज हो गया, 10% की अगर है तो 5000 रुपए हो गया, लेकिन 1500 रुपए उस पर लिखा होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस काफी होती हैं। और आज की डेट पे आप ऑफिशियल स्टोर पे भी जाएंगे तो वहां पे भी कार्ड्स के ऊपर कैशबैक की ऑफर्स आपको मिलती हैं। बहुत मैंने अभी भी पीछे एक लैपटॉप खरीदा था तो भी उसपे कैशबैक की ऑफर थी,
एचपी एनपी था उसमें 10% की और उसमें जो अप टू था वो 10,000 था, 1,05,000 का लैपटॉप उसमें 10,095 का मिला और वही लैपटॉप ऑफिशियल आपकी ई कॉमर्स पे 99,000 का मिल रहा था। तो जब भी आप चेक करें तो इन सब चीजों को जरूर चेक करिएगा। एक बहुत बड़ा और पॉइंट होता है, देखिए इंडिया है 90% लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती कि लैपटॉप परचेज कौन सा किया जाए, जो आप ई कॉमर्स में किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। आप ऑफिशियल स्टोर पे जाएंगे तो आप अपना उन्हें अगर वर्किंग बताएंगे कि मेरी ये वर्किंग है तो वो आपको इजीली लैपटॉप को सजेस्ट कर देंगे। सपोज करिए आप कहते हैं मेरे को गेमिंग करनी है, हैवी गेमिंग करनी है, तो डेफिनेटली वो लोग बता देंगे आपको कि आपको 4GB का ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। 90% लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऑनलाइन में मैंने काफी देखा है वहां पे रिफर्बिश्ड लैपटॉप भी आपको मिल जाता है, अगर ऑथराइज रीसेलर नहीं है तो रिफर्ब एक बहुत छोटा सा लिखा होता है जो कंज्यूमर को नहीं पता चलता, और जब उसके पास लैपटॉप आता है तो उसे पता चलता है ये रिफर्बिश्ड लैपटॉप है। देखिए आज की रिपेयर 12th जनरेशन 13th जनरेशन लैपटॉप है और ऑनलाइन पे आपको अभी भी 10th जनरेशन 9th जनरेशन के लैपटॉप मिल जाएंगे, वो मोस्टली रिफर्ब होते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी सस्ते होते ही हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, इनमें डिफरेंस क्या रहता है, देखिए एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन आज की डेट में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल स्टोर्स पे ही मिलते हैं। अगर मैं लिनोवो की भी बात करूं तो मोस्टली लिनोवो अपने हर लैपटॉप के साथ 2,500 रुपए में 3 साल का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन देता है। मैं डेल की बात करूं तो डेल भी अप्रोक्सीमेटली 4,200 में आपको डैमेज प्रोटेक्शन देता है 3 साल का। अलग अलग मॉडल्स पे अलग अलग रेट्स होते हैं, मैं ये आपको बता दूं। अगर मैं एचपी की बात करूं तो एचपी भी 4,500 रुपए से एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन स्टार्ट करता है, उसमें भी अलग अलग वेरिएंट है, 5,000 का भी है, 7,000 का भी है, जो 3 साल तक आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन मिलता है और ये आपको कंपनीज के थ्रू ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी होती है, जो आप आज अगर कंप्लेन करेंगे तो कोई थर्ड पार्टी के पास ट्रांसफर होगी, एचपी कहें या डेल कहें या लिनोवो कहें या आसूस कहें, कोई भी कंपनी कहें, हाँ जो भी एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन दे रहा है तो वो कंपनी खुद देती है, उनके पास सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। स्क्रीन डैमेज हो गई, वो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी स्क्रीन रिप्लेस कर देते हैं, आपको कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ता। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो ऑफर्स अवेलेबल होती हैं एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन की, तो वो टोटली थर्ड पार्टी होती है, कंपनीज की ऑफर वो नहीं होती है। उसके अंदर आपको डैमेज प्रोटेक्शन इजीली नहीं मिलता है, मिलता है तो एक एक दो दो महीने लग जाते हैं, उसमें भी आपको कुछ परसेंट देना पड़ता है, 20%, 30%। और कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो आपको थर्ड पार्टी डैमेज प्रोटेक्शन देती है, एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन देती है, वो आपसे ये कहती है कि आप सर्विस सेंटर जाके रिपेयर करा लो, जो वहां से कॉस्टिंग आएगी आप हमें बिल दे दीजिए, फिर उस टाइम के मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग हम आपको रीइंबर्स करेंगे। तो देखिए ये बहुत सारी इंटरनल बातें होती हैं मैंने जो आपको आज बताई। मैंने बहुत ये भी देखा है मार्केट के अंदर कि ऑनलाइन ई कॉमर्स जो वेबसाइट होती है, जब उनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता तो उसके प्राइसिंग काफी कम होते हैं उसमें। मेरे साथ एक बार ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे फ्रेंड का फोन आया, निशांत ये लैपटॉप है तेरे पास सोर्सिंग है, एक बार मुझे पता करके बताए ये लैपटॉप कितने का मिल रहा है। मैंने लैपटॉप के प्राइसेस उसको बताए कि ये मार्केट में इस यहाँ पे ये इस रेट में प्राइस का मिल जाएगा। उसने मेरे से कहा यार ये ऑनलाइन मार्केट में तो ऑनलाइन एक वेबसाइट थी उसमें उस लैपटॉप का प्राइसिंग करीब 4,000 से 5,000 रुपए कम था। मैंने कहा फिर अगर कम है, इतना डिफरेंस है तो परचेज कर ले। उसने कहा लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो अगर वेट कर सकता तो वेट कर ले। उसे करीब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक वेट किया कि उस वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट आ जाए। वो आया भी, लेकिन जब वो प्रोडक्ट आया तो ऑलरेडी उसका मार्केट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस था। तो मैंने ये देखा है जो प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल नहीं होते, उन प्रोडक्ट्स का वो प्राइसिंग ऑलरेडी इतना कम कर देते हैं कि मार्केट के अंदर कस्टमर घूमता रहता है, उन्हें यही कस्टमर को यही फील होता है यार ऑनलाइन पे बहुत कम है, ऑनलाइन पे बहुत कम है। और काफी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी भी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर हम आज की डेट में इंडिया के अंदर बात करें तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बाकी काफी सारी छोटी छोटी वेबसाइट है, उनके ऊपर प्राइस तो होता है लेकिन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए मार्केट के अंदर कस्टमर घूमता रहता है, आप भी घूमते रहेंगे कि भाई ये प्राइस दे दो, ये प्राइस दे दो, ये कहीं नहीं मिलेगा, तो आपको ये लगेगा कि ऑफलाइन में प्राइस बहुत ज्यादा है और ऑनलाइन ही सस्ता है, लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता है। देखिए
ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं, नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, जब आप मार्केट में सर्वे कर रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट कितने का है, ये प्रोडक्ट कितने का है, सपोज करिए एक लैपटॉप आपने देखा 65,000 का, मार्केट में 65,000 का आपको मिल रहा था, और जब बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज की बड़ी सेल आई तो वहां पे वो आपको 62 या 63 का मिल जाता है, तो आपको लगता है कि ऑनलाइन पे आपको 62 का 63 का मिल गया, लेकिन जब बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं ऑनलाइन साइट्स पे तो आप ऑफलाइन भी जरूर विजिट करिएगा, उस टाइम पे ऑफलाइन पे भी डिस्काउंट्स आ जाते हैं, आपको ऑफलाइन भी काफी डिस्काउंट पे लैपटॉप मिल जाएगा। देखिए ओवरऑल अगर मैं ये कहना चाहूं आपको तो उसमें एक डिफरेंस सिर्फ यही आता है, ऑनलाइन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाती है, आपको प्रोडक्ट लेके कहीं जाना नहीं पड़ता। प्राइसिंग की मैं आपको नहीं कह पाऊंगा क्योंकि प्राइसिंग की जो मैंने मार्केट सर्वे किया है आज के डेट में आपको ऑफिशियल स्टोर्स पे भी उससे ज्यादा प्राइस मिल, जिससे ज्यादा बेटर प्राइस मिल जाता है। हाँ, लेकिन जब भी आप कंपेयर करें तो बिल्कुल लैपटॉप टू लैपटॉप कंपेयर करिएगा, ऑनलाइन सिर्फ आपको लैपटॉप मिलता है और ऑफलाइन ऑफिशियल स्टोर पे आपको लैपटॉप भी, साथ में हेडफोन माउस भी, कभी क्लीनिंग किट भी, बैग भी, काफी सारी एसेसरीज आपको मिल जाती है। हाँ, आप उनसे कहेंगे कि अगर आपको सिर्फ लैपटॉप चाहिए तो वो सिर्फ लैपटॉप भी आपको दे सकते हैं और मोस्टली आपके ऑनलाइन के प्राइस को भी मैच करा देंगे। तो देखिए बात तो बहुत है करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन में, लेकिन ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लैपटॉप कहाँ से लेना है। हमेशा ऑनलाइन में जाने से पहले ऑफलाइन स्टोर्स को जरूर चेक करिएगा, अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन पे कम है तो आप ऑफिशियल स्टोर्स पे बात करिएगा, वो आपको बता देंगे कि डिफरेंस क्यों है, और मैंने ये भी देखा है वो आपको प्रोवाइड भी करा देंगे और आपको ऑफलाइन में ज्यादा बेटर मिलेगा, कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आप वहां पे लैपटॉप लेके जा सकते हैं। अगर इसके बाद भी, पूरी वीडियो देखने के बाद भी आपकी कहीं कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। जो मेरा कंक्लूजन निकल के आता है, मैं यही कहूंगा आप ऑफलाइन ऑफिशियल स्टोर से लैपटॉप को परचेज करिएगा। आज की डेट में बहुत सारे ऑफर्स आपको ऑफिशियल ही ऑफिशियल वेबसाइट स्टोर्स पे ही मिलेंगे या ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होगा, ऑफिशियल स्टोर्स पे आपको प्राइस कम मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर इसके बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई हो, आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछिएगा। ऐसे ही आपके सामने और भी धमाकेदार वीडियोस लेके आते रहेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।